हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं जी गेम्स HD। और आज हम खेलने वाले हैं पेस का करियर मोड का एपिसोड, या यानी बीकेएम लेजेंड मोड का एपिसोड खेलने वाले। बहुत दिन से हमने एपिसोड नहीं खेला था और काफ़ी दिन से पेंडिंग था। पेस को हम काफ़ी पसंद करते हैं और आप लोगों को बहुत पसंद है ये गेम, तो फटाफट लाइक दबा दें और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। और उस बाजू में बने हुए लाल बटन को भी दबा दो भैया, और उसके बाजू में जो घंटी का बटन बना हुआ उसको भी दबा दो, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले पहुँच चुके। और ये हमारा शेड्यूल है अभी के मैच का, तो जैसे आप सभी को पता है कि हमने बुनले की तरफ से खेल रहे हैं और हम चाह रहे थे कि हम ये पूरा सीजन इसकी तरफ से खेलें और इस टीम को ये जिता दे टाइटल। तो फिलहाल तो 48 पॉइंट और हमसे पीछे मैनचेस्टर 43 पॉइंट के साथ हमारे पीछे, मतलब पीछे चल रही है लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे कि मैचेस जीतते जाएँ या एटलीस्ट ड्रॉ तो भी करें, लेकिन हारे ना कोई मैच। तो फर्स्ट मैच आज हम खेलने वाले हैं और काफ़ी दिन के बाद मैं खेल रहा हूँ, मतलब बीच में मैंने खेली भी नहीं है गेम। तो वेटफोर्ड के साथ हमारा पहला मैच होने वाला है और हम ट्राई करेंगे इस मैच को जीतने की किसी भी कंडीशन में, बाय हुक एंड बाय क्रूक, यानी कि हम ट्राई करेंगे इंजर्ड भी कर डाले प्लेयर को। यार ऐसा नहीं है, हम जरा इंजर्ड नहीं करते हम, लेकिन इस टीम मतलब ये जो मैच होता है इसमें सिर्फ मैं खुद को ही कंट्रोल कर रहा हूँ, बाकी की टीम मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले एपिसोड्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता है कि इसमें क्या सीन रहता है। तो पहला अटैक वेटफोर्ड की तरफ से यहाँ चलते हुए, और बहुत बढ़िया पासेज हैं यहाँ पे, और मेरी डिफेंस टीम थोड़ी ढीली है जैसे कि आप सभी को पता है इसमें, लेकिन फिर भी कमाल तो कर देती है। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल है, और दिया तो है हमने थ्रू बॉल, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमारा प्लेयर पहुंच पाएगा, बेचारा नहीं पहुंचा है। चलो कोई बात नहीं, ओके वॉटफोर्ड तो फिर से अटैक, और ले ली तो ली हमने बॉल, चलो अच्छी बात है। क्लियर कर दे मेरे भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। अबे ये क्या कर रहे हैं, क्लियर, ओ नो, ओ शिट शिट शिट, नहीं 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 नहीं, ए यार ये ही मेरे को समझ नहीं आता इस टीम का। मतलब कभी कभी मेरे को लगता है कि ये टीम को मैं समझ रहा हूँ, कभी कभी ये ऐसा कुछ कर देती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है। अब ये क्या था भाई, दोनों के पास बॉल था, दोनों वहाँ पे खेल रहे हैं, एक ने भी बॉल क्लियर करने की नहीं सोची और वहीं के वहीं बॉल खड़ी कर दी। ये तो हद हो गई, ये तो फ्री में गोल मिल गया यार। ये देखो 1-2 फिर से उसने खड़ी कर दी और फिर इसको तो ओपन नेट मिल गया। क्या मतलब था इसमें, जो समझ में नहीं आया इसका, ये क्यों ऐसा किया हमने। ये देखो 1-2 फिर ऊपर चले गए और अब अंदर आ जा तो इस गोल पोस्ट के, बताओ यार ये बहुत गलत है। एक एक गोल मैटर करता है और एक गोल करने के लिए हमको पूरा मैच निकल जाएगा अभी। और वॉटफोर्ड है यहाँ पे आगे एक गोल की लीड के साथ, और ये दूसरा भी जबरदस्त अटैक था, लेकिन सम हाउ वी सेव। ओके बढ़िया बॉल है, दे दो बॉल भाई साहब, और बढ़िया बॉल आई है मेरे पास। क्या यहाँ से कुछ कर पाएंगे, बढ़िया टॉस और कर्व, और ये बढ़िया ट्राई थी कर्व वाली, और मुझे लगा शायद अंदर चले जाएगी, लेकिन एंड मोमेंट पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, अगर थोड़ा और अंदर तो शायद चली भी जाती। देखो यहाँ से देखेंगे हम लोग, बहुत करीब था, बहुत अफसोस हुआ हमको इस गोल ना होने का, लेकिन क्या करें अब, कुछ कर नहीं सकते भाई। ओके फिर से अटैक करते हुए बोलने की टीम, और फिर से बॉल की डिमांड की है हमने, और बॉल है मेरे पास, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मैंने क्रॉस ही देना चाहिए। बहुत बढ़िया क्रॉस, ओ कम ऑन यार, ये गोल असिस्ट ही सही, लेकिन गोल हो जाता तो एटलीस्ट ड्रॉ तो हो जाता मैच, हारना नहीं है एटलीस्ट इनको। तो फर्स्ट हाफ ओवर, एक गोल की लीड है वेटफोर्ड के पास, और हमारे पास कुछ नहीं है इस अंडे के अलावा। इस अंडे को फोड़ना चाहते हैं हम, फोड़ेंगे अब, देखते हैं कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिलहाल वॉटफोर्ड अच्छी कंडीशन में है और बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे अग्रेसिव खेलने का, लेकिन हमको तो खेलना ही पड़ेगा भाई। ओके बढ़िया बॉल थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर से बॉल है मेरे पास, और ये बढ़िया बॉल है, ओके गिव मी द बॉल, ये देखिए कर्व वाला, यस भाई मेरे को हमेशा सेव करता है कर्व वाले जो शॉट रहते हैं ना, ग्राउंडेड वाले, ये बहुत सेव करते हैं, मुझे बहुत बार सेव किया शॉट्स ने मुझे, और आज फाइनली फिर से यूटिलाइज किया हमने इस एबिलिटी को। देखो यहाँ से देखोगे आउटर स्टेप से हमने किक की थी ग्राउंडेड, जिससे कि वो बॉल अंदर घूमती है। देखो ध्यान से देखो, ये देखो आउटर स्टेप, बॉल गई अंदर, सीधी नहीं जाती इसमें, यहाँ से बॉल आई, ये देखो पास और आउटर स्टेप और अंदर बॉल। बहुत बढ़िया तरीका है गोल करने का, अगर क्लोज रेंज में बॉल हो तो। फिर से बॉल की डिमांड तो की हमने थोड़ा सा बाहर, अगर चले जाऊं मैं, नहीं यार अच्छा चांस था ये हमने खराब कर दिया। ओके ओ फिर से बॉल आ सकती है हमारे पास यहाँ पे, बढ़िया बॉल है, गिव मी द बॉल,
फिर से थ्रू बॉल दिया भाई, गोल स्कोर कर दिया। अरे नहीं दादा, बॉल पे लग गई यार बॉल, साइड बार पे लगी, क्रॉस बार पे तो नहीं लगी, लेकिन चलो अब क्या, अब नहीं लग रहा मुझे बॉल मिलने वाली, मुझे फ्री किक मिल जाती है एटलीस्ट। और ये बहुत बढ़िया बॉल है, अब हो सकता है यहाँ एक और गोल का चांस। आउटर स्टेप लगाया भैया ने मेरे, आउटर स्टेप के हाथ बिल्कुल नहीं जाने, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैच का एंड है। जी हाँ चलो, एटलीस्ट हारे नहीं हमने, गोल स्कोर किया है लेकिन ड्रॉ तो कर दिया मैच, लेकिन हमारे पास फिर भी चांस थे ये मैच जीतने के, जो हम जीत नहीं पाए। तो फिलहाल तो 49 पॉइंट के साथ आगे हम 44 पॉइंट है सेकंड टीम के, और जो कि आर्सेनल है ये काफ़ी चेज करती आ रही है टीम हमको, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट मैच है हमारा एवर्टन के साथ, और होप करेंगे ये मैच जीते एटलीस्ट। ओके, एवर्टन वर्सेस बर्नली, और एवर्टन के होम ग्राउंड पे हम ये मैच खेल रहे, तो जाहिर सी बात है एवर्टन की स्पोर्ट काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अब देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं इस मैच में। सो हियर वी गो, मैच हो चुका है शुरू, और बॉल ढूंढने की ट्राई करते हुए कि बॉल ही मिल जाए हमको पहले पास में। ओके बढ़िया बॉल, फिर से गुड बॉल, बहुत ही अच्छा पास, और अरे यार बढ़िया ट्राई थी मेरी टीम वाले, कभी सरप्राइज कर देते हैं मुझे कभी कभी यार। अरे यार टांग लग गई इसकी, कहां से आई पता नहीं। ओके फिर से बॉल, ओह थोड़ा और अच्छी ट्राई हो सकती थी, खराब ट्राई थी। ओके वेल व्हेन यू हैव द पर्सनल टू क्रिएट इन वाइड एरियाज देन कम ऑन यार, बढ़िया बॉल है, अब यहां से मैं अंदर रन करूं या बॉल दे दूं। ओह नहीं यार, इतनी कर्व हुई नहीं जितनी मैंने सोचा था कि कर्व हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ये बहुत बढ़िया बॉल है, यहां से गोल स्कोर हो जाना चाहिए, नहीं। ओ भाई अच्छे चांस में दो, अब ये भी एक चांस हो सकता है। नो 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 नो, गलत ड्रैग कर दिया बॉल, ये बॉल अंदर नहीं जा सकता सिर्फ। तो फर्स्ट हाफ ओवर 0-0, दो अंडे बने हुए, हमने ट्राई की तीन अंडों को फोड़ने की, लेकिन हमारे अंडे फूट गए, उस चक्कर में मतलब नहीं हुआ। सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे, और हम ट्राई करेंगे कि कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन दिख नहीं रहा ऐसा होता हुआ मुझे। ओके बॉल मिली है फिर से, अब यहाँ से गोल स्कोर होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और भाई डिफेंस लेट हो गया मैं, एवर्टन का डिफेंस अच्छा चल रहा है। ओ नहीं यार, मतलब अपने पास की बॉल भी खराब हो जा रही है, देखो दो बार ऐसा हो गया, बॉल मेरे पास आने के बाद भी खराब हो गई। ये ले भाई, गिव मी द बॉल, कम ऑन। लुक दिस, मेरे को लग नहीं रहा है मैच भी ड्रॉ ही होने वाला है, बशर्ते ये गोल ना मार दे। नहीं नहीं नहीं, ओ शुक्र है ऑफसाइड हो गया, अगर ये ऑफसाइड नहीं होता तो 100% गोल मारता था भाई ये, और लास्ट मोमेंट गोल तो उतार नहीं सकते। देखो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे लास्ट मोमेंट चल रही है, और गोल उतारना तो छोड़ो, गोल अगर उनका हो जाता तो मैच ही बंद ना हो जाए वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो ये दूसरा मैच भी ड्रॉ हो चुका है हमारा, और आर्सेनल हार गई है मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो अगर ये जीत जाती तो सेकंड नंबर की टीम थी, और इनके पॉइंट हमसे काफ़ी ज़्यादा हो जाते। तो बर्नले 50 पॉइंट के साथ नंबर एक पे, और सेकंड पॉइंट पे है लिवरपूल, तो भैया लिवरपूल के 44 पॉइंट है, हमारे लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ओके तो नेक्स्ट मैच हमारा किसके साथ है, नेक्स्ट मैच है हमारा वेस्ट हैम के साथ, और ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ये मैच नहीं जीतेंगे तो पॉइंट जो टेबल में है दूसरी टीम है हमारे काफ़ी क्लोज पहुंच जाएगी, तो ये जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्राई करेंगे इस मैच को जीतने की किसने कैसे। ओके तो here we go, फर्स्ट हाफ की शुरुआत हो चुकी है, और फिलहाल अच्छे पासिस चल तो रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने लगा। ओके थ्रू कर दे भाई बॉल, बढ़िया बॉल थ्रू तो नहीं की बेचारे ने, फंस गई, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। ओके यहाँ से बड़ी हेडर हो सकता था भाई, हो तो सकता था, लेकिन क्या कर रहे थे पता नहीं, अब देखी जाएगी। ओके फिर से बढ़िया बॉल है हमारे पास, और मरवा दी हमने बॉल, और फिर से ले ली, अब यहाँ से एक अच्छी ट्राई हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ओह नो भाई, दिन ही खराब चल रहा है ऐसा लग रहा मुझे। ओके एंटोनियो हिट्स दैट लॉन्ग, ओह वेरी गुड, बहुत अच्छे, मेरे टीम मेंबर ने बढ़िया जुगलबंदी दिखाई वहां पे, और बहुत बढ़िया, दोनों लोगों ने अच्छा
पास किया और दूसरे स्कोर किया, ये देखो बहुत बढ़िया बॉल और हाफ वॉली सीधा नेट के अंदर। चलो कोई बात नहीं, मैच जीतने की कगार पे तो है, अब मैं फ्री होके ट्राई कर सकता हूँ गोल की तरफ, नहीं तो हर बार मुझे ही सोचना पड़ता था वो गलत है। तो फर्स्ट हाफ ओवर 42 मिनट में गोल किया हमारे सी वुड ने, तो एक गोल की लीड है फिलहाल हमारे पास, हम ट्राई करेंगे इस लीड को एक्सटेंड करें और दूसरे हाफ में ज्यादा गोल करके मैच जीत लें। सो हियर वी गो, सेकेंड हाफ की शुरुआत। और बढ़िया अटैक यहाँ पे वेस्ट हैम यूनाइटेड का, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके गिव मी द बॉल, बढ़िया बॉल है, अब यहाँ से गोल स्कोर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, गोल स्कोर हो जाना चाहिए अब। यस 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 यस, और इसी के साथ हमारा कथक डांस जो कि बहुत दिनों से मैं नहीं करा था। बॉल बहुत बढ़िया थी भाई इस बंदे ने, कुछ भी बोलो, थ्रू बॉल था एकदम टाइम पे गिरा, फिर भी मैंने थोड़ी गलती की थी इसमें, मैंने बॉल बनाने की ट्राई की जो गलत है, तो किस्मत थोड़ी साथ रही इस बार से गोल हो गया। वैसे तो इस बॉलों में सीधा शूट करना चाहिए, बॉल बनाना नहीं चाहिए, जितनी बार बनाने की ट्राई करते हो उतनी बार गड़बड़ होती है, तो इस बार मैंने बनाया नहीं है, सीधा शूट किया है, सॉरी इस बार बनाया, मैं हमेशा सीधा शूट करता था, मैं गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो ये बनाने की वाली जो आइटम है वो गलत है, अगर आप पेस खेलते हो तो कभी बॉल बनाने की ट्राई मत करो, जितना हो सके मोमेंट कैच करो और उसी के अकॉर्डिंग खेलो, और बहुत ही बढ़िया बॉल मिली है यहाँ पे। ओके ओह ये क्लोज था, मिल तो सकती थी बॉल, लेकिन यहाँ से बढ़िया अटैक करते हो वेस्ट हैम यूनाइटेड भी, और काफी अच्छी बॉल मूवमेंट भी अच्छा है। ओके ओके ओके, और गुड शॉट, लेकिन शॉट में पावर नहीं थी और गोल पोस्ट की तरफ नहीं था, तो थोड़ा सेव हो गया। हम देखो बॉल बढ़िया बनाई थी यहाँ पे, बढ़िया बॉल, अच्छा अटैक, गुड पास और मूवमेंट भी अच्छा था भाई का, लेकिन 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 शायद अपने प्लेयर से टकरा गई बॉल, ऐसा मुझे लगा। जल्फ का स्कोर करने की ट्राई थी ये, और बढ़िया बॉल मिली है भाई, बढ़िया बॉल मिली है, एक और गोल स्कोर हो चुका है। अरे बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, बहुत डिले हो रहा है, तो अब ये मैच एकदम एंड सिचुएशन पे पहुंच चुका है, और बढ़िया भाई बच गया, बच गया, ये गोल हो सकता था, और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छी ट्राई की थी गोल कन्वर्ट करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोल कन्वर्ट कर नहीं पाए, लेकिन हमने कर दिया। तो फिलहाल रैंकिंग टेबल में 53 पॉइंट के साथ और लिवरपूल 49 पॉइंट के साथ काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक मार देना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। बाय बाय।